ये क्या कपड़े पहन रखे तूने? तुमने तो कहा था जो मन करे वो पहनो। मैंने कहा था जो मन में आए, ना कि ये छोटे कपड़े पहनने के लिए बोला था। क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? शादी से पहले भी तुम्हें यही पहनती थी। अरे सरजेश, क्या हाल है मेरे भाई? और घर में सब बढ़िया? अरे तू घर पर हटा, लेकिन तेरी ये गंदी आदत ना अब तक नहीं सुधरी है। कौन सी आदत? टाइम पे तैयार होने की। तू एक बात को पकड़ के ना पीछे ही पड़ जाता है यार। अबे पीछे क्या पड़ जाता हूँ, तुझे पता है ना केशव की पार्टी है और उसके कितने ड्रामे हैं। अबे यार पार्टी में कौन जल्दी जाता है, स्कूल का फंक्शन थोड़ी है जो जल्दी जाना है। अरे भाई जब बात केशव की हो ना तो 20 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, पर गलती मेरी नहीं तेरी भाभी की, देख अभी तक तैयार नहीं हुई। श्वेता देख भाभी तो तैयार भी हो गई। अरे यार एक मिनट मैं आता हूँ, मेरा वॉलेट रह गया। चल ठीक है जल्दी आइयो, कल लेट हो गए। अरे श्वेता मेरा वॉलेट कहाँ है? अरे सरजेश भाई यार एक प्रॉब्लम हो गया है, तेरी भाभी की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गया। एक काम कर तू पार्टी में चले जा, मैं नहीं आ पाऊंगा। अबे यार संदीप कैसे बहाने मार रहा है तू, अभी तो भाभी आई थी एकदम फिट खड़ी थी, अब तू कह रहा बीमार हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यार तू समझ ना वो लेडीज वाली प्रॉब्लम होती एकदम से हो जाती है। अच्छा सॉरी यार, एक काम कर तू भाभी का ख्याल रख, मैं अकेले पार्टी में चला जाता हूँ। थैंक यू यार। चल कोई नहीं यार। देख सरजेश अगली बार पार्टी में तेरा भाई सबसे पहले आएगा। हाँ हाँ तेरा पता है कितनी जल्दी आएगा तू। चल ठीक है। अच्छा ठीक है दरवाजा बंद करके जियो। प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वैसा करूंगी, जो कपड़े बोलोगे वो कपड़े पहनूंगी। वो तो तू पहनेगी, पर तूने जो आज गलती करी है उसकी सजा भी तो मिलनी जरूरी है। प्लीज मत करो ये, प्लीज मुझे मत मारो। तुझे थोड़ी छोटकियां दे दी, तू तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ गई। तेरी मोटी चमड़ी है तू ऐसे नहीं मानेगी, तू मार खा के मानेगी। सरजेश तू अंदर कैसे है? ये क्या कपड़े पहन रखे तूने? तुमने तो कहा था जो मन करे वो पहनो। मैंने कहा था जो मन में आए, ना कि ये छोटे कपड़े पहनने के लिए बोला था। क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? शादी से पहले भी तुम्हें यही पहनती थी। जुबान मत लड़ा मेरे आगे। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। शादी से पहले तू मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब तू मेरी बीवी है। बीवी है तो क्या खरीद लिया तुमने मुझे? देख ज्यादा जुबान लड़ाएगी ना तो अभी तुझे ठीक कर दूंगा। छूट दिया तो इसका मतलब ये नहीं तू हवा में उड़ेगी, और मुझे पता है तू क्यों जाती है छोटे कपड़े पहन के पार्टी में। मतलब मुझे ही पता है, मतलब तुझे ही पता है। अगर मेरा दोस्त नहीं आया होता ना तो तुझे बताता अच्छे से। छोड़ इसे, मैं कह रहा हूं छोड़ इसे। तू कौन होता है मेरे बीच में आने वाला? छोड़ इसे बोला ना। मेरे को ये करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बीबी है ना तेरी? वो बीबी है वो मेरी, मैं मारू कुछ भी करूं तुझे क्या? चुप हो जा, ये वही लड़की है ना, कॉलेज में अगर इसके बारे में कोई उल्टा बोल देता था तो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता था। तूने इसके कपड़े देखे हैं कितने छोटे हैं, यही कपड़े पहन के पार्टी में जाएगी? अरे मेरे भाई इनके कपड़े छोटे नहीं है, तेरी सोच छोटी है। और तूने वुमेन असॉल्ट का नाम सुना है ना, अगर इन्होंने कंप्लेंट कर दी ना तो तेरी सारी जिंदगी ना जेल के पीछे कटेगी। और भाभी अगर तुम्हें कंप्लेंट करनी है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं सरजेश मुझे नहीं करानी है कोई कंप्लेंट, मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे। देख ये होता है प्यार, तेरे इतने जुलम उठाने के बाद भी ना तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना तुमसे प्यार करती है, तेरी बीबी है वो। अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा ना तो मैं क्या, दुनिया में कोई भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। मैं उन मर्दों को ना बहुत छोटा मानता हूँ जो अपनी बीबी को ना दबा के जीना चाहते हैं। मेरे भाई अब सोच बदलने का टाइम आ गया है, और तू तो पढ़ा लिखा है यार, अगर तू भी ऐसा करेगा ना तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगा। और भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तू माफ़ी मांगेगा ना तो क्या पता ही तुम्हें माफ़ भी कर दे, वरना अगर तू ऐसे ही हैवान बना रहा ना तो सारी जिंदगी ना हवालात में कटेगी। थैंक यू सरजेश भाई, तूने मेरी आज आँखें खोल दी, और मुझे आज बहुत शर्म आ रही है इसका पति कहलाने में। और श्वेता मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो हर इंसान से होती है ना, और मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दी।